एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने तहसील सदर में बनाए गए विभिन्न हॉटस्पॉट क्षेत्रों का निरीक्षण किया, जिसके संबंध में एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि तहसील सदर में 19 पॉजिटिव केस मिले हैं, उन सभी क्षेत्रों को हॉटस्पॉट बनाया गया है। मंगलवार को उन सभी हॉटस्पॉट क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया। एसडीएम सदर ने बताया कि सभी हॉटस्पॉट एरिया को 250 मीटर तक के एरिया को सील कर दिया गया है। अब उस एरिया में डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से होम डिलीवरी होगी। इसी के साथ उस क्षेत्र के लोगों का स्वास्थ्य चेकअप भी कराया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, नैतिक जिम्मेदारी है कि आप सभी लोग अपने घरों में बने रहे। आपके क्षेत्र में एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया गया है, अतः सुरक्षा के दृष्टिकोण से आप सभी को अपने घर में बने रहना है, अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकलना है। ये देखो वीडियो बनो ना सर, व्यक्ति पाए जाने के कारण इस एरिया को सील किया गया है। कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, सभी लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें। इस एरिया में अगर कोई भी दुकानें खोलते हुए पाया जाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। आप सभी लोग सुरक्षा बरते, अपने घरों में रहें। इस एरिया में कई दुकानें खुली हुई पाई गई है, इधर देखकर उन्हें छोड़ा गया है, अगली बार उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। आप सभी लोग अपनी दुकानें बंद रखे, घरों के अंदर रहे, सुरक्षित रहे। एरिया में कोरोना संक्रमित व्यक्ति पाए जाने के कारण एरिया को सील किया गया है। एरिया से कोई भी बाहर ना तो आ सकता है ना जा सकता है। सभी लोग घरों के अंदर रहें, सुरक्षित रहें। एरिया की कोई भी दुकानें नहीं खुलेंगी। अगर ऐसा करते हुए पाया जाता है, आपकी दुकानें सील कर दी जाएगी, आपके खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। कोई भी इस एरिया से ना बाहर जा सकता है, ना इस एरिया में आ सकता है। नगर निगम से हैं, चलो ठीक है। जो माता जी बनाना चाह रहे हैं गाय घाट में अपना प्राइवेट कमरा कह दीजिएगा। ये हो गया कौन सा, ये तारा मंडल ना, गौतम बिहार ओके कॉम्प्लेक्स में थी 24 12 दिन पहले ओके 2 तारीख को हमने जाना था।
वो बिल्कुल पास ही दिखे सर, वो तो मैं सील कर दी थी शायद ना, नहीं जा रहे हैं। अच्छा, मैं हॉस्पिटल जाता था। ओके, और दुकान के कुछ स्टाफ ने सारे स्टाफ को बुलाया। अच्छा, सबको ले गया था मेडिकल पर। भगत और आया था, वो स्टाफ को हुआ किसी को पॉजिटिव है? वो कहाँ का है? वो कहाँ का है? कहाँ ऐसा है? कल शहर में हमारे तहसील सदर में 16 पॉजिटिव केस आए और आज सुबह 3 केस आए, तो टोटल 19 पॉजिटिव केस आए तहसील सदर में, और ज़्यादातर सभी लोग शहर के केसेस हैं, और ख़ासकर थाना राजघाट में 3, थाना कोतवाली में 1, थाना रामगढ़ ताल में 3, थाना कैंट में 2। तो आज हमने लगभग 8-9 हॉटस्पॉट का निरीक्षण किया, जिसमें थाना कैंट में कृष्णा हॉस्पिटल एंड यूरोलॉजी सेंटर, इसको हमने सील कराया क्योंकि वहाँ से एक पॉजिटिव व्यक्ति पाया गया। थाना रामगढ़ ताल में सिद्धार्थ एनक्लेव और बुद्ध विहार, वहाँ पे जो पॉजिटिव व्यक्ति थे उनको सील कराया गया, और जो पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आए लोग थे उनको घर भेजा गया। थाना कैंट अंतर्गत कूड़ा घाट में 4 लोग पॉजिटिव आए हैं, वहाँ पर भी हमने पॉजिटिव व्यक्ति को आज शिफ्ट किया है, और पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में जो लोग आए हैं उनका भी सैंपल करा रहे हैं। इसके साथ साथ गीता प्रेस थाना राजघाट में, रहमत नगर और तिवारीपुर में, वहाँ पे भी एक हॉटस्पॉट बना है, वहाँ पे भी निरीक्षण किया गया, और वहाँ पे भी हमने 250 मीटर का कंटेनमेंट एरिया बनाया है, और सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से कराई जा रही है। डोर टू डोर हम सर्वे करा रहे हैं हमारे आशा ANM उनके द्वारा, जिससे ये पता चले कि पॉजिटिव व्यक्ति के बीच के साथ संपर्क में कौन आया है। इसके अतिरिक्त हमने और अन्य थाना शाहपुर और इसमें भी कुछ हॉटस्पॉट बने हैं, उनका निरीक्षण करने जाएंगे। तो अभी हॉटस्पॉटों की संख्या बढ़ती जा रही है।